वेलकम टू मैं दिद राजेश, आपका इस अपने चैनल मैं दिद राजेश में स्वागत करते हैं। आज सीएचएस का एक नोटिस आ गया है और नोटिस जो है वो बहुत ही दुखद है, क्योंकि उन बच्चों के लिए जो बच्चे तैयारी बहुत दिन से लगे हुए थे और उनकी तैयारी लगभग बहुत ही अच्छी हो गई थी और मैं भी लगभग उनके लिए डेली वीडियो लाने की कोशिश करता था और उनके लिए कुछ कर रहा था, बहुत सारे वीडियो में लाया भी उनके लिए हेल्प करने के लिए, लेकिन COVID-19 को देखते हुए ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। और किस माध्यम से होगा वो पूरा वीडियो देखिए अंत तक, आपको सारी क्लियर हो जाएंगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो बच्चे 11th में एडमिशन लेना चाहते हो, जो 9th में और 6th में। तो देखिए क्या क्या है आपके बारे में, यहाँ दिया हुआ है टू कीप चिल्ड्रेन सेफ ड्यूरिंग द करेंट COVID-19 पैंडमिक। तो COVID-19 पैंडमिक को देखते हुए BHU स्कूल बोर्ड हैज़ डिसाइडेड नॉट कंडक्ट CET। नॉट कंडक्ट CET मतलब आपके कंडक्ट जो एग्ज़ाम करने वाले थे, CET का मतलब है स्कूल इंट्रेंस टेस्ट, ये भी नहीं किया जाएगा, इंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। आगे क्या दिया है, न्यू मेथड ऑफ एडमिशन हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर फॉलोइंग क्लासेस एज अंडर, आप देखिए कौन कौन से के बारे में दिया हुआ है, Class 6 and 9, ठीक है। अब यहाँ आपको जो किया गया है ई लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा, थ्रोल ई लॉटरी सिस्टम, इस ई लॉटरी सिस्टम से आपका एडमिशन किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो लाया था, मैंने आपको बताया था उस समय वेबसाइट पर ये चीज़ें नहीं थी, अब वेबसाइट पर आपको जाकर देखिए तो ये नोटिस आ गई है। तो हमने बताया था ऑथेंटिक जानकारी आएगी तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, हो सकता मैं थोड़ा से लेट हो गया हूँ, लेकिन आपके लिए एकदम परफेक्ट जानकारी मैं दूंगा। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, एडमिशन ऑफ BHU एम्प्लॉई वार्ड एप्लीसेंट्स विल कैरिड आउट फर्स्ट। यहाँ इसका मतलब है जो BHU एम्प्लॉयड है उनके बच्चे जो भी एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किए हैं उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, फर्स्ट में उन बच्चों की वरीयता दी जाएगी जो BHU के एम्प्लॉय हैं, जो उनके कर्मचारी हैं। और सेकेंड कह रहा है रिमेनिंग सीट विल बी अलॉटेड बाई ई लॉटरी एट अकॉर्डिंग गिवेन प्रायोरिटी सीक्वेंस। क्या है प्रायोरिटी सीक्वेंस की बात कर रहा है ये, ठीक है, किसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी उसकी बात कर रहा है, सीक्वेंस भी दिया हुआ है। फर्स्ट सीक्वेंस क्या दिया है, फर्स्ट लॉक 3% ऑफ सीट, 3 दिव्यांग के लिए है, तो आपको ज़्यादा नहीं समझना है, 3% सीट किसके लिए, दिव्यांग और OH मतलब हैंडीकेप के लिए है, जो विकलांग है दिव्यांग जिनको बोलते हैं उनके लिए 3% सीट सबसे पहले पहले तो BHU एम्प्लॉय को दिया जाएगा। जो सीटें बचती हैं 3% सीटें किसको दी जाएगी, दिव्यांग जो हैंडीकेप हैं। आप सेकेंड आगे क्या कह रहा है, सेकेंड लॉट में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ SC कैंडिडेट विल बी, अब इनको भी कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट लॉट एंड रिमेनिंग सीट रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट विल बी अलाउडेड। अब इनको भी क्या किया जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा, जिन जितना सीटें इनके लिए आरक्षित है वो इनको दिया जाएगा, ST को दिया जाएगा। फिर इसका सेकंड भाग है, फिर SC आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट कैंडिडेट विल बी, यही शायद ये दिया, मतलब SC को सेकंड में वरीयता दी जाएगी, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यहाँ नोट पॉइंट दिया हुआ है, SC and ST सीट विल बी फिल्ड ओनली आफ्टर इंटरचेंजिंग द सीट ऑफ पर द अवेबिलिटी रजिस्ट्रेशन एप्लीसेंट। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर सीटें SC और ST की सीटें कोई बच जाती है तो SC को ST में डाल दिया जाएगा, ST सीटें भर ली जाएंगी SC से और SC की सीटें ST से भर ली जाएंगी, ये आपसे कह रहा है, इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए
चलिए आगे दिया स्टूडेंट आप जाता है ओबीसी का टोटल नंबर ऑफ ओबीसी नौ एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी ठीक है। अब देखिए क्रिमिलेयर की बात कर रहा है नॉन क्रिमिलेयर की बात कर रहा है तो यहाँ इसका मतलब होता है स्टूडेंट क्या होता है एनसीएल कि जो अब ये क्रिमिलेयर आपकी डिसाइड किया गया है वो आप समझते हैं उनकी उनकी जो होती है ओबीसी में उनकी सर्टिफिकेट नहीं बनती है ठीक है। अब कैलकुलेटेड विल बी फर्स्ट लॉट एंड रिमेनिंग सीट ऑफ रिजर्व कैंडिडेट अलाउडेड इनको भी अब की 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जा रहा है ये बच्चे जानते रहें 27% इनको भी अलाउड कर दिया गया है ओबीसी को भी ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट ठीक है। अब आ जाता है आगे आगे क्या कह रहा है एंड थर्ड लॉट आफ्टर सेकेंड लॉट रिमेनिंग सीट द अलाउडेड अनरिजर्व एप्लीसेंट। अब देखिए जो अनरिजर्व मतलब जो जनरल में आते हैं जो जनरल आते हैं उनके लिए थर्ड लॉट में क्या किया जाएगा एडमिशन किया जाएगा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये देखना है क्लास एलेवंथ में एडमिशन के लिए सिक्स एंड नाइन्थ में तो वो प्रोसेस आप समझ गए हैं एलेवंथ के लिए क्या क्या है तरीका एलेवंथ के लिए है आपका बेस देखा जाएगा क्लास टेंथ के मार्क्स को वहाँ के मेरिट को देखा जाएगा स्टूडेंट तो समझिए क्या है यहाँ आप देख रहे हैं मेरिट द परसेंट मार्क अपटेंड जितना आप परसेंट अपटेंड किए हैं टोटल मार्क अपटेंड या टोटल मैक्सिमम मार्क ऑफ सब्जेक्ट 800 आपका परसेंट देखा जाएगा वो क्या परसेंट देखा जाएगा और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देख लीजिए। अब यहाँ आपको समझना है ये चीज़ें समझना है आपको एकदम आसान भाषा में यहाँ से मैं समझाता हूँ मतलब जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स से लेंगे मतलब इलेवेंथ में एडमिशन मैथमेटिक्स से लेना चाहते हैं तो उनका मैथमेटिक्स में परसेंट हाई होना चाहिए मतलब उनका मैथमेटिक परसेंट देखा जाएगा क्या देखा जाएगा मैथमेटिक्स परसेंट कितना है ज़्यादा। फिर अगर मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट की बात करूँ तो उनका बायो साइंस में सब्जेक्ट देखा जाएगा अब टेंथ में आप जो है लगभग 95% पाए हैं उस सब्जेक्ट में साइंस में ओनली ध्यान रखना ऑल ओवर नहीं देखना है मैथ में है तो उसका हाईएस्ट मार्क्स होना चाहिए मैथ में। वैसे ही कॉमर्स में देखा जाए कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं सोशल साइंस में अब कौन कौन से आ जाते हैं CISCE बोर्ड परसेंट एंड अब देखिए हिस्ट्री ठीक है सिविल्स ज्योग्राफी मैथ्स ये सब देखे जाते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए आर्ट के लिए आप जानते हैं उसमें भी दिया है हिस्ट्री सिविल्स आप एक भाषा में बोलें तो सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स होने चाहिए सोशल साइंस सब्जेक्ट में तो कॉमर्स के लिए वही है वही आर्ट के लिए है तो सारे स्टूडेंट ध्यान रखेंगे इस बात को उनका एडमिशन इसी के बेस पे होगा तो ये ध्यान आप रखेंगे ठीक है। अब यहाँ बात करता है सब्जेक्ट अब यहाँ क्या बात कर रहा है इंटर सी मेरिट देखिए मैथमेटिक्स में जो है किसका किसका परसेंट देखा जाएगा मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स इन साइंस ठीक है। बायोलॉजी में वही सारी चीज़ें हैं तो आप इतना ध्यान रखिए अगर आप मैथ से लिखा रहे हैं तो मैथ में साइंस और ये आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए नंबर अच्छे होने चाहिए क्योंकि आपका ये चीज़ें उसमें क्या होगा ये चीज़ें आपकी क्या होंगी अपलोड होंगी आपकी मार्कशीट अपलोड करना है ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ देखिएगा आप इसको अच्छे से डिटेल से खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ भी दिया है थ्रू विच इट वाज पैड ओवर हाउ एवर नो फीस रिफंड क्लेम विल बी द इंटरमीडिएट आफ्टर ऑनलाइन पोर्टल इन इट तो ये आपसे ये सिंपल से देखिए क्या कह रहा है अगर आप जो है जो भी पैसा दिए हैं अगर आप हटना चाहते हैं आप ऑनलाइन आप इसमें नहीं शामिल होना चाहते तो आपकी फ़ीस जो 400 रुपये ली गई थी और ओबीसी की सीट जनरल के इक्वल ली गई थी वो आपकी वापस कर दी जाएगी मतलब ये है कि आप उसी वेबसाइट पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं
बेकार, अब इसका मतलब क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ अदर की क्या बात कर रहा है, अदर बैकवर्ड कास्ट की बात कर रहा है, ओबीसी की बात कर रहा है, तो वो आपके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। अब नॉन क्रीमी लेयर आपकी वही बात कर रहा है, नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहा है, और आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, कॉस्ट सर्टिफिकेट यहाँ दिया, ओबीसी सर्टिफिकेट विल बी दो ओनली विच ऑफ द लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके पास एससी हो या एसटी हो, सबके लिए क्या होना चाहिए, एक एससी के लिए वही चलता है, लेकिन जो ओबीसी हैं स्टूडेंट वो गवर्नमेंट, ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दो प्रकार के सर्टिफिकेट बनते हैं जाति प्रमाण पत्र, एक सेंट्रल का बनता है, एक राज्य का बनता है। तो जो स्टूडेंट के सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा तो आपको सेंट्रल वाले बनवाने हैं, और वह 6 महीने के बाद का नहीं होना चाहिए। द यहाँ दिया है स्टूडेंट, द सर्टिफिकेट शुड बी नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिस स्टूडेंट के पास नहीं है वो जाकर अपना ये ज़रूर बनवा लें, नहीं तो उनको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ये थी नॉलेज आपको, और यहाँ आप हेल्प 9 नंबर दिया है, आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं।